की वीडियो में हम 86 के फैक्टर निकालना सीखेंगे। किसी भी संख्या के दो फैक्टर हमेशा कॉमन मिलते हैं आपको। एक तो 1 सभी का फैक्टर होता है, दूसरी वह संख्या जिसका फैक्टर निकालना चाहते हो, तो दो फैक्टर आपको हमेशा कॉमन मिलते हैं। अदर फैक्टर निकालने के लिए आपको करना ये होता है कि चेक करना पड़ेगा जिस भी संख्या का फैक्टर निकाल रहे हो वह किन किन संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड होगा, वही उसके फैक्टर होंगे। तो 86 पूरी तरह से किस तरह से किन किन संख्याओं से डिवाइड होगा, 43 इसके सबसे पास में है, तो 43 टू ज़ा 86, ठीक है। तो मतलब 43 इसका एक फैक्टर है, तो पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। 43 इंटू 2 इज इक्वल टू 86, तो 2 इंटू 43 ये भी तो इज इक्वल टू 86, मतलब 2 भी तो डिवाइड कर रहा है 86 को, जिस तरह 43 ने डिवाइड किया, तो 2 86 को 43 टाइम डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि जिससे डिवाइड कर रहे हो और जितनी बार में डिवाइड कर रहे हो, दोनों ही किसी भी संख्या के लिए फैक्टर होते हैं हमेशा। तो ठीक है, 2 एंड 43 ये दोनों इसके 86 के फैक्टर हुए। इसी तरह से मेरे पास एक पेयर और है, 1 इंटू 86 करो या फिर 86 इंटू 1 करो, क्या रिजल्ट आएगा, 86 ही आएगा। ये दोनों भी 86 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं, तो 86 को चार संख्याएं पूरी तरह से डिवाइड कर रही है, 86 के टोटल चार फैक्टर हुए, 186, 2 एंड 43।